मोपला अर्थात मुझे इससे क्या, लेखक वीर सावरकर, भाग 6 प्रसंग 7। गत प्रकरण में बताया गया है कि गोपुर ग्राम में सुमति का प्रतिशोध उसके द्वारा पाले गए नाग ने ऐड खान को डसकर और उसके प्राण लेकर लिया था। इधर मौलवी की टोली के लोग सुमति की खोज करते करते उसी ग्राम में आ पहुंचे थे। ऐड खान और मौलवी में अधिकार के लिए एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। दोनों ही अपने आप को खलीफा द्वारा नियुक्त कलेक्टर कहते हुए कुट्टम तथा गोपुर इन दोनों ही तालुकों में घूम रहे थे। इनमें से ऐड खान लोगों को शिया पंथ की दीक्षा देता था तो मौलवी सुन्नी पंथ का अनुयायी था। इसलिए भी इन दोनों में परस्पर भयंकर द्वेष था, क्योंकि मुसलमानों के इन दोनों पक्षों में परंपरागत रूप से यह द्वेष चला आ रहा है। सुन्नी हिंदुओं को काफिर समझते हुए भी एक बार क्षमादान दे सकते हैं, शिया तो उनको फूटी आंखें नहीं सुहाते। मौलवी इसीलिए ऐड खान के विरुद्ध यह प्रचार भी करता था कि वह शिया है, अतः वह खिलाफत राज्य के प्रति कदापि राज्यनिष्ठ नहीं हो सकता। स्वराज्य अर्थात खिलाफत राज्य और एकता का तात्पर्य है सभी हिंदुओं को एक मुसलमान जाति का अंग बना देना। यह जो व्याख्या की गई थी उसी को मौलवी ने नया रूप दे दिया था। वह कहता था कि खिलाफती राज्य का अर्थ है सुन्नी राज्य और एकता का अर्थ सब हिंदुओं की नहीं अभी तो सभी शिया मुसलमानों को काफिर वह दाम्भिक बताते हुए नाम शेष कर दिया जाए। कुट्टम ग्राम पर तो उसने उसी रात्रि को अधिकार कर लिया था और उसे यह भी विदित हो गया था कि सुमति गोपुर ग्राम के मार्ग से निकल गई है। वह तो पहले ही ऐड खान से बहुत अधिक द्वेष करता था, किंतु सुमति के उसके क्षेत्र में चले जाने के समाचार ने तो इस अग्नि में घी का काम कर दिया था। इसलिए उसने शिया प्रतिद्वंदी ऐड खान और उसकी टोली का सर्वनाश ही कर देने का संकल्प कर लिया था। अतः मौलवी की टोली ने अचानक ही गोपुर ग्राम पर धावा बोल दिया था। मौलवी को अभी तक यह विदित नहीं हो पाया था कि ऐड खान को सुमति के प्रिय सर्प ने सदा के लिए मुल्क के अदम भेज दिया है। अतः मौलवी की टोली मार काट करती मार्ग बनाती वहां आ पहुंची थी, जहां ऐड खान ने मुख्य थाना बनाकर सुमति को रखा था। जब ऐड खान की टोली के लोगों को मौलवी के दल के वहां आ धमकने की सूचना मिली तो वे सुमति के निर्जीव देह को वहीं छोड़कर भाग निकले। देव पूजा के लिए निर्मित पुष्पमाल सरीखी उस पावन सुकुमार सुंदर कन्या की पार्थिव देह को वहां पड़े हुए पाकर उन पापी मोपलों के मन भी उन्हें कचोटने लगे। मानव स्वभाव का निरीक्षण करने वाली यही बात उल्लेखनीय है कि मानव स्वतः अनेक बार जो पाप बड़ी आसानी सहित करता है वही जब दूसरे द्वारा किए जाते हुए देखता है अथवा उसके संबंध में सुनता है तो वह उस कृत्य के करने वाले को हृदय से धिक्कारता है। यही मानवीय स्वभाव है। अतः फजल इत्यादि मोबलों द्वारा किए गए इस घृणित बलात्कार की मौलवी की टोली द्वारा जो इतनी अधिक भर्त्सना की जा रही थी उसका एक कारण यह भी था कि मौलवी द्वारा इस कुकृत्य का अनुमोदन नहीं किया गया था और साथ ही इस पाप कृत्य का शिकार वह सुमति हुई थी, जिस पर मौलवी की नजरें बहुत दिनों से गड़ी हुई थी, जिसकी प्राप्ति की आकांक्षा के कारण ही मौलवी इस मोपला विद्रोह में भाग लेने के लिए अत्यधिक उत्सुक हुआ था। अतः मौलवी के क्रोध का बार पार नहीं रहा, उसने अपनी टोली के प्रमुख व्यक्ति हसन को संबोधित करते हुए कहा कि हसन, यह शैतानी मनोवृत्ति का खुला दिग्दर्शन है और ऐसे नर राक्षसों को साथ लेकर यह ऐड खान खिलाफती राज्य की पावन कीर्ति को कलंकित करता हुआ घूम रहा था। सरकार इस पावन ब्राह्मण छोकरी के साथ किया गया अत्याचार इतना अधिक भयंकर है कि मैं समझता हूँ कोई भी सच्चा मुसलमान इतना भयंकर कृत्य कदापि नहीं करेगा। तभी मैं वजीर भी बोल उठा, जिसने कुट्टम ग्राम में हुए दंगे के समय स्थूलेश्वर शास्त्री की पुत्री से उसके माता पिता की उपस्थिति में घोर बलात्कार किया था। उसने कहा, छी, जो इस प्रकार का पाप कर्म करता है वह सच्चा मुसलमान ही नहीं। तभी वहां खड़ा हुआ एक फकीर सा दिखाई देने वाला मुसलमान बोला, यह बिल्कुल सही है, परंतु वजीर जिस रात्रि को कुट्टम ग्राम में दंगा हुआ था उसे स्मरण रखते हुए यदि विचार किया जाए तो यही कहना होगा कि मलाबार में जाति वंत मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम है। यह ऐड खान की टोली का मुसलमान है, पाजी कहां से अटपका? बड़े क्रोध से हसन फुंकार उठा। यह सिया मुसलमान है, अब्दुल ने आरोप लगाया। यह मुसलमान ही नहीं है, पागल मोहम्मद ने अपनी तान तोड़ी। मैं ऐड खान की टोली का नहीं और नहीं मुझे मौलवी के दल से ही कोई सरोकार है। मैं शिया मुसलमान भी नहीं और जिन अर्थों में तुम किसी को सुन्नी कहते हो उन अर्थों में मैं सुन्नी भी नहीं। और तुम लोग इस विद्रोह के आरंभ होने से अब तक जो कुकृत्य करते आए हो यदि वे मुसलमान धर्म की शिक्षाओं के अनुभव हैं तो मैं मुसलमान भी नहीं। मैं तो उस टोली का हूँ जिसके मुख्य पैगम्बर मोहम्मद थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं तो यह समझता हूँ कि जो कुरान की शिक्षाओं को सही रूप में समझता है वह किसी तरह के बलात्कार को पाप समझता है। वस्तुतः हमें यह देखने से पहले कि कोई व्यक्ति हिंदू है अथवा मुसलमान यह देखना चाहिए कि वह मनुष्य भी है कि नहीं। हिंदू लोग भी तो मानव हैं, उनके साथ ये बलात्कार एक भयंकर अत्याचार है। यह तो काफिरों के पक्ष में बोल रहा है। ये काफिर हिंदू लोग ही अंग्रेजों की नौकरी करते हैं ना, अंग्रेजों की नौकरी तो मुसलमान भी करते हैं। तुर्कों के विरुद्ध हजारों मुसलमान लड़े हैं। अतः यदि केवल इसलिए कि हिंदू अंग्रेजों की नौकरी करते हैं उनके रक्त से भाग खेल रहे हो
और उनके मंदिरा मंदिर गिरा रहे हो तो मुसलमानों की मस्जिदें भी क्यों नहीं गिराते? हाँ तनिक ये तो बताओ, क्या तुम अंग्रेजों की नौकरी करना छुड़ाने के लिए ही उनकी निरपराध कन्याओं का पतिव्रत भंग कर रहे हो अथवा वो अपनी कामाग्नि शांत कर रहे हो? तुम्हें अल्लाह की शपथ है, बोलो क्या इन अत्याचारों के लिए खुदा तुम्हें माफी देगा? मैं मुसलमान हूँ, अतः मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, क्या तुम्हें कुरान यही शिक्षा देता है? उस फकीर ने उन मोपलों को चुनौती देते हुए कहा, अरे बेवकूफ, अल्लाह ईमानदारों के हजारों अपराध क्षमा करता है, अल्लाह बड़ा रहमदिल है, परंतु तू तो कुरान का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, अन्यथा कभी तू जिहाद अथवा धर्म युद्ध को पाप कहने की मूर्खता कर सकता था? जिहाद की व्यवस्था के अनुसार तो गैर मुसलमानों का सब माल, घर, लड़कियां और लड़के, ये सभी मुसलमानों की संपत्ति है। चौथे अध्याय की पांचवी आयत में क्या कहा गया है? तूने कुरान पढ़ी नहीं है, अथवा तू तो कोई सूफी है अथवा बाबी है, या फिर तू कोई शिया है? तू शिया है, तू बाबी है, तू सूफी है? ये आवाज लगाते हुए मौलवी की टोली के लोगों ने उसको लाठियां चलानी आरंभ कर दी। ऐड खान की टोली के जो शिया थे वे इस अपमान को सहन नहीं कर पाए, अतः वे भी मौलवी के लोगों पर टूट पड़े। कुछ समय तक मुसलमानों के इन दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई मोगले मारे गए, अनेक घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। ऐड खान की मृत्यु के कारण विसंकलित हुई उसकी टोली के लोग इधर उधर प्राण बचाकर भाग निकले। लाठियों की मार से घायल होकर गिरने वाला वह फकीर वहीं पड़ा रह गया, परंतु इस मारामारी में भी वह एक बार साहस संजोकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, बंधुओं, तुम्हारे इन आदताई कृत्यों से मुसलमानी मजहब पर जो कालिख पुत गई है उसका यथासंभव प्रतिकार करने के कारण तुम मुझे काफिरों का वकील कहकर मुझ पर प्रहार कर रहे हो। निरपराध हिंदुओं पर तुम जो तलवारें मेरे मना करने पर भी चला रहे हो, वही तलवार एक दिन स्वयं तुम पर भी पड़ेगी। आतताई के रूप में जिस तलवार ने दूसरों पर प्रहार किया जाता है, आतताई के रूप में जिस तलवार से दूसरों पर प्रहार किया जाता है, वही तलवार आक्रांता की भी मृत्यु का कारण बनती है। अभी भी तुम समझ लो कि राम और रहीम एक ही है। हाँ, अभी भी तुम समझ जाओ। उस मुसलमान फकीर से ये शब्द निकलते कई मोपले एक साथ चिल्ला उठे, हरामी, हरामी, शैतान और अल्लाह को यह बदमाश एक ही समझता है। अल्लाह रहीम को सरकतदार जोड़ीदार बनाता है। मारो, इस गर्जना के साथ ही सात दो तीन लाठियां उसी कनपटी पर पड़ी और उसकी खोपड़ी नारियल के समान तड़क कर फूट गई। उसकी मज्जा और मांस बाहर आ पड़े। वह मुसलमान फकीर वही दम तोड़ गया। अल्लाह अकबर कहता हुआ मौलवी गर्जा। अल्लाह अकबर का घोष लगाकर मोपलों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार ऐड खान की टोली को पराजित कर गोपुर तालुका पर भी अपना अधिकार जमा लेने के उपरांत मौलवी कुट्टम ग्राम को वापस लौट चला। उसके मन में रह रहकर एक ही मलाल उभरता था और वह था सुमति की मौत। उसका हृदय क्षुब्ध था, उदासी बढ़ती जा रही थी। अभी वह आधे मार्ग में ही पहुंच पाया था कि पगले मोहम्मद ने पुनः उसके कंधे पर आकर हाथ रखा और बोल उठा, सरकार, सुमति जीवित है। मौलवी ने दुखी होते हुए कहा, मूर्ख, वह मर गई है, यह तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सरकार, लेकिन वह फिर जीवित हो गई है, अल्लाह की कसम, देख लीजिए, वह रही सुमति। मौलवी ने मन ही मन खिन्न होते हुए कहा, अच्छा, दिखा, न जाने किस लड़की को तो सुमति समझ बैठा है। कुछ लोग मोहम्मद द्वारा जिस लड़की को सुमति बताया जा रहा था उसे देखने गए। मौलवी वहां पहुंचा, उसने लड़की को देखा और समझ गया कि यह सुमति नहीं है, किंतु साथ ही उसे देखते ही मौलवी की निराशा भी पहले के समान तीव्र नहीं रही। वह कन्या भी सुमति के समान ही आकर्षक थी और वह सुमति का विकल्प बन सकती थी। मौलवी के मन में विचार उदित हुआ। खो खो हंसता हुआ मोहम्मद पागल बोल उठा, सरकार, ये तो लक्ष्मी है, इसे ही मैंने हरियर का पैर तोड़कर पकड़ने का प्रयास किया था और आखिरकार यह पकड़ ही ली गई। चुप रे मूर्ख, इसे तू सुमति बता रहा था, भला इसका भी कोई कारण है? मौलवी ने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए कहा। थर थर कांपते हुए मोहम्मद ने उत्तर दिया, जिस कारण से आपने उस रात्रि में कुट्टम ग्राम में इसे सुमति समझ लिया था, बस उसी कारण से मैं भी गोपुर ग्राम में इसे दिन के उजाले में ही सुमति समझ बैठा। हुजूर, लक्ष्मी भी वस्तुतः सुमति की प्रतिमूर्ति सी प्रतीत होती है। जिस चिंतामणि शास्त्री को चारों वेद कंठस्थ थे उसी के पवित्र कुल में इस कन्या ने जन्म लिया था। जिस प्रकार कोई बौना वृक्ष पर ऊंचाई से लगे किसी फल को अपनी एक कूद से तोड़ लेने में सफलता प्राप्त कर लेने पर समाधान का अनुभव करता है, उसी भांति सुमति सरी की ब्राह्मण कन्या को भ्रष्ट कर अपने उपयोग में लाने की मौलवी की इच्छा थी, किंतु अब वह लक्ष्मी के सहारे अपनी इच्छा पूर्ण करने पर तुल गया था। धर्म वीरत्व का उत्साह उन्हें उसके मन पर पागलपन सा सवार हो बैठा था। उसने उस दीन संकटग्रस्त वनवास और अपमान से कृशकाय हुई कन्या का स्पर्श किया और बोला, तू निर्भय हो, मैं तेरे मन में जो भी दुख है उस सबको दूर कर दूंगा। ये आश्वासन देते हुए उसने लक्ष्मी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। क्षीण शक्ति और दुखों से प्रतिकार की भी क्षमता खो बैठी ये कन्या भी चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। मौलवी अपनी टोली सहित कुट्टम ग्राम में लौट आया। इन तीन चार दिनों में ही कुट्टम की स्थिति में कितना महान अंतर आ गया था। नारियल और पोफली के वृक्षों की सघन छाया तले बने हुए इन घरों में जहां कभी वेदों के मंजुल घोष गूंजा करते थे, वहां आज उनमें उस रात्रि में बाहर रक्त अभी तक भी नहीं सूख पाया था। हरिहर शास्त्री के निवास स्थान को ही मौलवी ने अपने मुख्यालय में बदल लिया। अब उसे कलेक्टर का बंगला कहा जाने लगा था और स्थूलेश्वर शास्त्री के उस आंगन में जिसमें उसने अस्पृश्य हिंदू के आने के स्थान पर मुसलमानों के घुसाने को अच्छा बताया था,
मौलवी की टोली के अधिकारियों और सैनिकों ने सैनिकों के लिए मांस पकड़ा था। चिंतामणि शास्त्री की वेदशाला जहाँ कभी चारों वेदों का सतत पाठ होता रहता था, वहां कसाई की तलवार के आगे थर थर कांपती रंबाती हुई गौएं ही दृष्टिगोचर हो रही थी। जिन पात्रों में जल डालकर ब्राह्मणों ने गत दिवस संध्या की थी, उन्हीं पात्रों में आज मोगले दारू भर भर कर पी रहे थे। संपूर्ण रात्रि भर लड़ते लड़ते धर्मवीरों ने जिस श्रीरंग के पावन देवालय की रक्षा की थी और घायल होकर अगले दिन कम्बुथिया भयंकर घाव लगने के कारण शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया गया था, उस देवालय पर अब जिहादी कलेक्टर का अधिकार था। वहां से श्रीरंग की पावन प्रतिमा हटा दी गई थी और मुसलमानी मस्जिद के समान देवालय पर तीन मीनारें खड़ी कर दी गई थी। देवालय पर लहराता हुआ हिंदू ध्वज उतार कर उसके स्थान पर वह तुर्की का हरा झंडा लहरा दिया था। उन भ्रष्ट काफिरों का देवालय ईमानदार सत्य धर्मियों की प्रार्थना के योग्य हो जाए, इसलिए एक जवान गाय की हत्या कर उसका रक्त इस देवालय में यत्र तत्र बिखेरा गया था। जिस प्रकार मूर्ख काफिर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध किया करते थे, उसी प्रकार वहां रक्त छिड़क कर उसे पाक किया गया था। इन सब संस्कारों के उपरांत यह मस्जिद भी अब उतनी ही पवित्र हो गई थी जितना पवित्र वह मौलवी स्वयं था। ग्राम के सभी हिंदुओं के घरों को तीन दिन तक जी भर कर लूटते रहने के पश्चात जो सामान इस धर्म युद्ध के उपहार स्वरूप उपलब्ध हुआ था, वह मोगला धर्मवीरों में बांटा जा रहा था। ब्राह्मणों, नायकों और वैश्यों के अच्छे अच्छे घरों को चुन चुन कर मोगला सरदारों को प्रदान कर दिया गया था और ग्राम के सभी शेष काफिरों को चोरों के समान एक बंदीगृह में बंद कर दिया गया था। कभी जिस तालाब से 150 फुट की दूरी पर ही कम्बू सरीखे हिंदू धर्म रक्षकों के आने से स्पृश्य हिंदुओं का धर्म रसातल को चला जाता था, अब वही उसी तालाब में गो रक्त मिश्रित कर उसी का पानी खिलाफती राज्य के अधिकारी उन हिंदुओं को पीने के लिए दे रहे थे और इस पानी के वितरित करने का कार्य कर रहा था वही क्षत्रिय कुलवंशज सीताराम नायर, जिसने तालाब से 150 फुट आगे आ जाने के अपराध में कम्बू को लात मारी थी। कुट्टम की स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी थी, किंतु अभी तो उसकी भयंकरता पर कलश चढ़ना था। अभी तो इस स्थिति के परिवर्तन का मर्म अभिव्यक्त होना बाकी ही रह गया था, वह मर्म आज व्यक्त होगा। कारण कि आज इन सभी बंदियों का फैसला किया जाना है। उनका सबसे घोर अपराध यही था कि वे खंडित हिंदू धर्म में जन्मे थे और मुसलमान मोगलों के खिलाफती राज्य की स्थापना हो जाने के उपरांत भी अपने घर बार महिलाओं और संपत्तियों को अपना मानते थे। जिस उपवन के पुष्पों का चयन कर सुमति देवता की पूजा के लिए माला गूंथा करती थी, उसी उद्यान के मैदान में एक उच्चासन पर मौलवी आसीन था। पैर टेकने के लिए भी एक पांव के नीचे छोटा सा आसन लगा रहा था। कैसे बनाया था यह? तो श्रीरंग की उस सुंदर प्रतिमा को खंडित कर उसी से पैर टेकने का यह पैरों का आसन बनाया गया था। इस प्रांत में न्याय के लिए प्रख्यात मोगलों का पुरोहित वर्ग थंगल कहा जाता है, उन्हीं में से एक को बुलाया गया था। मौलवी का आदेश होते ही हिंदू बंदियों को बंदी गृह से वहां लाकर उपस्थित किया गया और थंगल बोला, अल्लाह के बंदों की जय जयकार हो, मलाबार में खिलाफत राज्य की स्थापना हो गई है और शीघ्र ही संपूर्ण जगत में होने वाली है। अब इस राज्य से संपूर्ण हिंदू पाखंड, मूर्ति पूजा तथा मोहम्मद पैगम्बर के वचनों को न मानने वाले नास्तिक, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, इन तीनों का ये बीज भी नहीं रहने देना चाहिए। यह आदेश मुझे कल अल्लाह ने दिया है। हे विश्वास न करने वालों, देखो, तनिक अच्छी तरह देखो, देखो देखो, आकाश के मध्य यह काली सी रेखा, वह फटी, या अल्लाह क्या खूबसूरती है। यह कहते हुए थंगल आकाश की ओर दृष्टि गड़ाए हंसता हंसता निश्चल वे तन में होकर बैठ गया। संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई और सभी लोग आकाश की ओर झांकने लग गए। इतने में ही वह मोहम्मद नामक पगला बोल उठा, ओहो, आकाश के ठीक बीचों बीच यह कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। आश्चर्य से आंखें फाड़ता हुआ थंगल बोला, क्या तूने देखा है प्रकाश? मौलवी, यह एक पुण्यवान मनुष्य है, इसे इधर बुला लो। अच्छा, उस आकाश में तुझे कौन सी सुंदर चीज तेरी आंखों से दिखाई दे रही है? मोहम्मद ने झटका सा देते हुए कहा, अंधकार। उसके झटके से अपने को संभालता हुआ थंगल बोला, मौलवी, यह तो पापी मनुष्य है, इसे बाहर निकाल दो। इसकी प्रथम पुण्य के कारण इसे थोड़ी सी दिव्य दृष्टि मिली थी, परंतु इतने से ही इसमें अहंकार जागृत हो गया, इसलिए अल्लाह ने इसकी आंखों पर अंधकार का पर्दा डाल दिया है। अल्लाह समर्थ है। ओहो ओहो, क्या खूबसूरती है। थंगल बड़ी ही आनंदपूर्ण तन्मय मुद्रा सहित बार बार आकाश की ओर देखता हुआ बोला, अल्लाह, तू धर्मवीरों पर कितना अधिक प्रसन्न है। इस प्रकार बड़ी भक्ति और अनुरक्ति प्रदर्शित करते हुए उसने पुनः कहा, अब जो महान दृश्य मुझे दिखाई देता है, मुसलमानों, तुम सबको भी उसका दर्शन हो सकता है। तुम जानते हो कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी ही उत्सुकता सहित सैकड़ों विश्वास निष्ठ मोगले बोल पड़े, नहीं जनाब, बताऊं तुम्हें? बड़ी ही व्यग्रता सहित वे चमत्कार लोलप मोगले बोले, बताइए, हम आपके पांव पड़ते हैं, बताइए। मुझे परियां दिखाई दे रही हैं, उनके हाथों में क्या है? स्वर्ग के पुष्पों की माला। अरे, उनके नेत्र कैसे हैं? ठीक वैसे ही जैसा कुरान में विवरण उपलब्ध है, काली काली और लंबी बोहें। वे परियां वह माला मोगला वीरों के गले में पहनाएंगी। जो धर्म युद्ध में विजयी होंगे, उनके गले में संसार के लोगों की माला पड़ेगी।
और उस जगत में वे परियां उनका आलिंगन करेंगी और उन्हें माला समर्पित करेंगी। यह है धर्म वीरों को मिलने वाला फल, और भला काफिरों को क्या मिलेगा? तौबा 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 तौबा। फड़कते हुए वे सभी मोपले बोल उठे, खुदा और पैगंबर पर जिनको विश्वास नहीं है वे काफिर हैं। भला उनको क्या फल भोगना पड़ता है? वे भयंकर नरकाग्नि में दग्ध होते हैं, उन्हें दुर्गंध में रहना पड़ता है और सड़ी गली वस्तुएं उन्हें मिल पाती हैं, उनका अंग अंग नोचा जाता है। फिर वे पश्चाताप भी व्यक्त करते हैं तो वह भी खुदा को स्वीकार नहीं होता। कुरान शरीफ में यह बात स्पष्ट शब्दों में बता दी गई है, तौबा तौबा। भली भांति समझ लो अरे काफिरो, अरे बंदियो, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ये बता रहा हूँ कि यदि तुम नरक की आग में जलने से बचना चाहते हो तो शीघ्र अति शीघ्र इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हें संसार में मिलेगी मौत और उस दुनिया में दोजक की आग, यही है तुम्हारा पारितोषिक। बोलो तुम क्या चाहते हो? आज ही फैसले का दिन है, आज सायकाल तक खिलाफत राज्य में एक भी काफिर जीवित नहीं रह पाएगा। इस खिलाफती राज्य में आज सायकाल तक संपूर्ण देश मुसलमान हो जाना चाहिए। हाँ तो लाओ पहली टोली को। नंगी तलवारें चमकाते हुए 50 मोपले घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। वे एक ओर से थोड़े से हटे, उस स्थान से 25 हिंदू बंदियों की टोली उस घेरे के बीच प्रविष्ट हुई और उन्होंने पूरे पुनः घेरा बंद कर दिया। दीन दुखी फूट फूट कर रोती चीखती महिलाएं, नीच अधर्मियों ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन कर जिनकी साड़ियां भी फाड़ दी थी, ऐसी अर्ध नग्न कुमारियों की जिनकी लज्जा का हरण किया गया था अपने पिताओं के समक्ष, इस निर्लज अवस्था में अर्ध भ्रष्ट और अर्ध नग्न स्थिति में रहने पर विवश पुत्रियां जो मरने से भी परे मरने सरी की हो गई थी तथा अपनी पुत्रियों और स्त्रियों के सम्मान और जीवन का अपनी आंखों के समक्ष सर्वनाश होते हुए देखने पर विवश अपने पौरुष को धिक्कारते हुए पिता, अपनी छातियों से बालकों को चिपटाते हुए स्त्रियां, अपने वृद्ध दादा दादियों के हाथ पकड़े हुए बालक, ये सभी थरथर कांपते हुए तलवारों से ही बनाए गए उस घेरे में उसी प्रकार रोते और गायों के समान ही डकराते हुए घुसा दिए गए। उनसे पूछा गया, बोलो मुसलमान होते हो अथवा नहीं? इन सभी को 4 दिन तक बंदी गृह में खाने पीने की दृष्टि से त्रास देते देते सताया गया था। अतः इन क्षीण शक्ति और क्षीण भक्ति लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें पूछा गया कि मुसलमान होते हो अथवा मरते हो? इन बंदियों में से सबसे पहले एक ने उत्तर दिया, मरने को तैयार हैं। वे कौन है? वे कौन था? वह था वही कंबू जो श्रीरंग के देवालय की रक्षार्थ लड़ते लड़ते घायल होकर गिर पड़ा था और बंदी बना लिया गया था। उस टोली में सबसे पहले उस अकेले के मुख से निकला था कि मैं मरने को तैयार हूं। उस टोली में से सर्वप्रथम उसी अकेले की हत्या की गई और उसकी हत्या भी इतनी क्रूरता सहित की गई थी कि हिंदू धर्म का परित्याग न करने को तत्पर अन्य लोग भी समझ लें कि उन पर कितना भयंकर अत्याचार किया जाएगा। इसलिए उस थंगल ने उस घेरे से एकदम बाहर निकालकर उसे कुएं के पास लाकर खड़ा किया था जिसके जल से सुमति अपने पुष्पों को पानी दिया करती थी। मैं मुसलमान होने को तैयार नहीं हूं। जब कम्बू के मुख से पुनः यही गर्जना हुई तो उसके सिर का एक एक केश खींच कर निकाला गया और फिर उसके शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए गए और फिर उसके धड़ और शरीर के टुकड़ों को उस कुएं में फेंकते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया। कम्बू के जीवन का इस भांति दुखद अंत होते हुए देखकर उस टोली में से किसी ने भी हूं हाथ तक नहीं की और मूक पशुओं के समान वे उस कुएं के पास ले जाए गए। वहां उनका मुंडन किया गया, शिखाएं काट दी गई और मुसलमान होने की पुष्टि के रूप में उन्हें गोमांस दिया गया, किंतु उनमें से किसी ने भी उसे स्पर्श तक नहीं किया। तब थंगल के आदेश उपरांत उस टोली में से जो पुरुष और बालक थे उनके गुप्तांग उगाड़े गए। एक मौलवी हाथ में कुरान लेकर खड़ा हो गया और दूसरे ने हाथ में छुरी संभाली। कुरान का पाठ होता रहा और बड़ी तेजी के साथ छुरी हाथ में लेकर आने वाले मौलवी ने 2-3 दुबले पतले हिंदुओं के गुप्तांगों की थोड़ी सी खाल कतर दी। हाय हाय कर अकलाते और बिलखते हुए उन लोगों को बताया गया, अल्लाह के प्रिय पैगंबर की आज्ञा के अनुरूप अब तुम्हारी सुन्नत कर दी गई है, अब तुम मुसलमान हो गए हो, अब तुम धर्मानुसार आचरण करो, अब स्वर्ग भी तुम्हारे लिए सुरक्षित हो गया, किंतु यदि तुम पुनः हिंदुओं में मिले अथवा उनसे किसी प्रकार संबंध रखा तो तुम मुसलमान धर्म से पथ भ्रष्ट हो जाओगे और फिर धर्माज्ञा के अनुसार तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। इसके पश्चात उन सभी को स्त्रियों और पुरुषों को मोपलों के समान वस्त्र पहनने को दिए गए। दूसरी टोली को लाया जाए, थंगल गरज उठा। तभी उसी प्रकार तलवार उठाए हुए मोपलों के घेरे में 25-30 हिंदुओं की एक और टोली वहां लाई गई। तभी एक थिया ने बड़े क्रोध से एक वृद्ध महिला को धक्का देकर अपने से दूर किया और बोला, बुढ़िया तू जाति की मस्कुनी डोंब है ना, और फिर मुझ महान को छू रही है, दूर हो जा। यह देखते ही खो खो करते हुए हिंदुओं के घर अपनी मशाल से जलाने वाली वे मोपला वृद्धा गरज उठी, मरो, तुम्हारी आंखें अब तक भी नहीं खुल पाई है क्या? अरे तुम हिंदुओं को कुछ दिखाई देने लगे, इसीलिए तो मैं मशाल जलाकर आग लगाती हुई घूमती रही हूँ, परंतु तुम्हें तो अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता। मरो मुसलमानों के बंदी गृह में, उनके राज्य के तुमने धक्के खाए हैं, हाथ पैर तोड़वाए हैं, गौ रक्त से सने अपने हाथों को मैंने उस तालाब में धोया है जिसका पानी तुम्हें पिलाया जा रहा है, परंतु तुम्हारा अनिष्ट होने और छुआछूत का भूत अभी तक भी नहीं उतर पाया है।
डोम्बों के छू जाने से महाराव का अनिष्ट हो जाता है ना। अरे जीवित रहते हुए तो तुमने कभी हम हिंदू एक जाति हैं इस दृष्टि से इकट्ठे होने का प्रयास किया ही नहीं। मुर्दो, अब हिंदू होने के कारण जब तुम मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचे हो फिर भी इकट्ठे होने को तैयार रही हो। मरो मुर्दो कहीं के, मुसलमान होते हो कि मरने को तैयार हो? थंगल ने पूछा। मैं मरने को तैयार हूं, मैं भी मृत्यु को गले लगाऊंगा। 10-12 कंठों से एक साथ ये स्वर गूंज उठे। थंगल चकित रह गया और बोला, इन सबको इस टोली से बाहर निकालो। तब एक व्यक्ति जो अपने एक ही पांव से किसी न किसी प्रकार चल रहा था, जिसकी दूसरी टांग कटी हुई थी और जिसमें 4 दिन से निरंतर रक्त बहते बहते घाव बन गया था तथा दुर्गंध आ रही थी, वह सबसे पहले आगे बढ़ा। यह व्यक्ति था हरिहर शास्त्री। उसके मुख से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। उसे देखते अपनी मशाल उसके सामने करते हुए मोगला वृद्धा आगे बढ़ी। उसने अपनी मशाल हरिहर शास्त्री के इतना अधिक सामने कर दी कि उनके नेत्र जलने लगे। वे बोली, रे मूर्ख ब्राह्मण, देख तेरी वे तेरी हिंदू जाति की कैसी दुर्दशा हो रही है। देख तू जीवित रहते हुए रक्त से सना और घावों से भरा नरक में सड़ रहा है, और मूर्ख तूने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, किसी के घर को आग नहीं लगाई, कोई घोर पाप कर्म नहीं किया, केवल वेदों की उड़ता रहा, सदा पुनीत कर्म किए, फिर भी तू जीवित रहते ही नरक भोग रहा है। तेरे अंगों में कीड़े पड़ रहे हैं, और देख मुझे, देख इस मौलवी पर दृष्टि डाल, उस थंगल को देख कैसे स्वस्थ और हष्ट पुष्ट है। बस केवल अल्लाह पर, पैगंबर पर हमारा विश्वास है, इतने मात्र से ही हम इस संसार में सुख भोग रहे हैं, और तूने तो केवल पुण्य करते पोथियां पढ़ते हुए जीवन बिता दिया है। न्याय की विजय होगी आदि की तू रट लगाता रहा है, केवल कल्पना लोक में ही विचरण करता रहा है, पर आज ये तेरी सारी कल्पनाएं मिट्टी के घरों से दुई है। क्या अभी भी तुझे यह दिखाई नहीं दिया कि पाप से बचकर इस संसार में रहना मुश्किल है? ये कहते हुए उस वृद्धा ने पुनः अपनी मशाल हरिहर शास्त्री के नेत्रों की ओर बढ़ा दी, और हरिहर शास्त्री ने उसके ताप से झुलसते हुए पुनः उच्चारण किया, राम राम राम। अभी भी मरा कहीं का राम राम ही रट रहा है। ये कहते हुए इस निष्ठुर वृद्धा का ठाका पुनः गूंज उठा। उस वीर ब्राह्मण को अपनी शारीरिक वेदना से अधिक ये अपमान और मानसिक वेदना सहन नहीं हो पा रही थी। उसके पीछे ही था चिंतामणि शास्त्री, और शास्त्री के साथ ही साथ थे कंबू की टोली के दो थिया नवयुवक, कृष्ण नायर वैद्य, जो श्रीरंग के पावन देवालय की रक्षार्थ लड़ते लड़ते घायल हो गया था, वह उन नवयुवकों के पीछे खड़ा था। उन थिया तरुणों को संबोधित करते हुए थंगल ने कहा, ओ तरुणों, इन ब्राह्मण और क्षत्रियों के पीछे लगकर भला तुम क्यों बिना कारण ही मौत को बुलावा दे रहे हो? तुम मुसलमान हो जाओ तो इन हिंदू स्त्रियों में से ही छांट कर सुंदर स्त्रियां तुम्हें दे दूंगा, और फिर तुम सुख सहित जीवन यापन करना। परंतु अभी वे थंगल ये वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि वे महार तरुण बोल उठे, चुप रे मूर्ख, हमारा एक बाप है और वह हिंदू है, अतः हम भी हिंदू हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य महार और मांग सभी एक हिंदू पिता की संतान है। हमारे पिता का नाम है महादेव, हम सभी एक हिंदू माता की संतान है, और हमारी माता का नाम है हिंदू जाति। उन सभी ने एक दूसरे गले में अपने हाथ डाल दिए। तभी अपने मध्य घायल ब्राह्मण वीर को लेकर वे गरज उठे, हर हर महादेव। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और महार सभी अपनी अपनी जाति और गोत्र को विसार संवेद स्वर में बोल उठे, हिंदू जाति की जय, जय हिंदू जाति की जय। अकस्मात प्रदीप्त हुई इस होतात्म्य भावना की इस दीप्ति से ठीक वैसा ही दृश्य उपस्थित हो गया जैसा घटाटोप अंधकार में सहसा ही बिजली चमकने से होता है। मोगले भी स्तंभित रह गए। वह मोगला वृद्धा तनिक तिरस्कार पूर्वक हंसती हुई तथा अपने मन का समाधान करने की कुचेष्टा करती बोली, सीखा, मरो ने आखिर एकत्रित होकर मरना सीखा, परंतु एकत्रित होकर मरने से हिंदू जाति की जय नहीं होगी। जैसे आज तुमने एकत्रित होकर मरना सीखा है, जब तुम इसी प्रकार संगठित होकर जीना सीख जाओ, उस दिन हिंदू जाति की जय की गर्जना करना। मरते हुए जय गर्जना करना तो अरे मुर्दों, कोरी विडंबना ही है। नहीं, हरिहर शास्त्री गर्जा उठे, विडंबना नहीं, तू जो कहती है वह राक्षसी सत्य है, परंतु हमारा एकत्रित होकर मरना ही हिंदू जाति को एकत्र जीवित रहना तथा संगठित होकर विजय प्राप्त करने का पथ प्रदर्शित करेगा। जानकी जीवन राम राम, पतित पावन सीता राम, कहते हुए वीर स्वर ताल सहित भजन करने लगे। तब उन्हें भी उस कुएं के पास ले जाया गया। वे तलवार चमकाते हुए मोगले निशस्त्र बंदियों पर टूट पड़े, तलवारों के बार खटखटाट उन पर हुए। हरिहर शास्त्री का आधा मस्तक कटकर गिर पड़ा। भयंकर रक्तस्राव हो रहा था और अभी भी वायुमंडल में यही स्वर गुंजित हो रहा था, जानकी जीवन राम राम, पतित पावन सीता राम, जानकी जीवन राम राम, पतित पावन सीता राम। उस थिया तरुण का हाथ तलवार का वार पड़ने से कटकर हरियर के रक्त की तरंग में जा पड़ा। वृद्धा मस्कुनी के 2 टुकड़े हो गए। उसका एक टुकड़ा कृष्ण नायर वैद्य के ऊपर गिरा और दूसरा टुकड़ा एक मोपले ने मनोरंजन करते हुए लाठी के समान नायर पर फेंक दिया। उसके रक्त से कृष्ण नायर का संपूर्ण शरीर सरोबोर हो गया। तभी कटकटाती हुई तलवार का एक वार उसके नेत्र में घुस गया, उसके नेत्र बाहर निकलकर गिर पड़े।
कृष्ण नायर पर जो वार पड़ा था उससे तलवार उनके कंधे को चीरती हुई निकल गई थी और एक चीख के साथ उनकी नश्वर काया को छोड़कर प्राणों ने विदा ले ली थी। मरते मरते चारों हिंदू वर्णों के रक्त का संबंध हो गया था। चारों ओर चीख पुकार करा और वेदना तथा मारो मत मारो की भयंकर आवाज गूंज उठ रही थी। कोई हिंदू वीर मारा गया और कोई दम तोड़ रहा था, परंतु सभी के मुख पर यही था, अतित पावन राम राम जानकी जीवन राम राम। वे सभी मार डाले गए थे और मरने वालों की देहों के टुकड़े अस्थि मज्जा और तड़पते हुए अंग प्रत्यंगों को मुगलों ने अपनी ठोकरों से धकेल दिया था उस कुएं में। इस प्रकार ये सभी मृत्यु का ग्रास बन गए थे। अतित पावन सीता राम जानकी जीवन राम राम यह भजन विलीन हो गया। बाकी जो हिंदू डर गए थे उनके सिर मुंडकर तथा सुन्नत करके उन्हें मुगलों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र पहना दिए थे। तीसरी टोली कहते हुए दंगल थंगल गर्जा। तीसरी टोली आई, उसे भी पूर्वत सशस्त्र मोपला दल ने अपने घेरे में ले लिया। इनमें से जिन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार किया उन्हें छोड़कर जो बाकी लोग बचे उनमें से कुछ की हत्या कर दी गई, कुछ को अधमरा करके उस कुएं में धकेल दिया। केवल तरुण कन्याएं ही इनकी तलवारों से बच सकी, किंतु उन्हें तो हत्या किए जाने से भी अधिक त्रास दिया जाना था क्योंकि उन्हें दासियों के रूप में जीवन बिताना था। चौथी टोली कहते हुए थंगल गर्जा ही था, परंतु तभी वहां घोड़े को पूरी गति सहित दौड़ाते हुए वहां पहुंचने वाले एक मोगले की आवाज गूंज उठी, वे आ गए सरकार वे आ गए। बड़े आनंद का अनुभव करते हुए थंगल बोला, अल्लाह की क्या तारीफ की जाए, कौन अनवर पाशा की सेना आ गई है। वे मोगलों की सहायता और 10,000 तुर्क 20,000 कुर्द और 25,000 अरबों को लेकर यहाँ पहुंचने वाले थे। अनवर पाशा गाजी है, 52,000 अरब लोग आ रहे हैं। सभा में जयघोष गूंज उठा। नहीं नहीं अनवर पाशा नहीं, बीच में उन्हें टोकते उस घुड़सवार ने कहा। तभी मौली बोला, फिर कौन आया है। अफगानिस्तान का अमीर, दिल्ली पर तो मुसलमान वीरों का कभी का अधिकार हो चुका है। अमीर इस्लाम की खड़ग है, अमीर इस्लाम की खड़ग है, परंतु सरकार अमीर नहीं आया है। घुड़सवार अभी इतना ही कह पाया था कि उस वृद्धा ने अपनी मशाल को ऊंचा किया और समुद्र की ओर से उसे चमकाती बोली, फिर कौन आए हैं। अरबिस्तान से समुद्र मार्ग द्वारा खलीफा जी ने शस्त्रास्त्र भेजने थे जिनके लिए कुट्टम के खिलाफत मंडल ने 3 लाख रुपए भेजे थे, तो क्या उन शस्त्रास्त्रों से लदे जहाज आ रहे हैं। चुप बुढ़िया, यह कहते हुए इस घुड़सवार ने क्रोध व निराशा से क्षुब्ध होते हुए कहा, सरकार वे अनवर पाशा वह अमीर और हथियारों से भरे हुए अरबी जहाज तथा 52,000 तुर्क तो जब आएंगे तब आएंगे, परंतु अभी तो जो आए हैं वे हैं केवल गोरखे। हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों व देव मंदिरों के कलश गिराए जाने और मूर्तियों के खंडित किए जाने के समाचारों से क्षुब्ध होकर वे प्रतिशोध लेने की शपथ ग्रहण कर भयंकर खुकरी धारण करने वाले गुरखे आए हैं। जो कोई भी सशस्त्र मोगला उन्हें मिलता है उसे बंदी बनाते हुए खिलाफती राज्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आने दो, चिंता की कोई बात नहीं, ठंगल ने उठकर दंड थपथपाते हुए किसी भूखे सिंह के समान कहा, काफिर मुसलमानों का बाल भी बाका नहीं कर सकते। हे विश्वासनिष्ठ इस्लामी वीरो, इस आसमान की कसम, अब ओहो यह मैं क्या देख रहा हूँ, रुको थोड़ो रुको, कौन है ये, मेरे नत्र बंद हुए जा रहे हैं, फिर मैं अपनी आंखें खोल कर देख रहा हूँ, कैसी है ये तलवार। हाँ हाँ देख लिया देख लिया। विश्वास निष्ठो, जिब्रिल अपने देवदूतों के साथ उतर रहा है। या अल्लाह, जिब्रिल अपने देवदूतों के साथ उतर रहा है। मोपले उत्तेजित होकर गरजे, अरे इन गोरखों की क्या बात कहते हो, उसके मुकुट में 3 तारे लटक रहे हैं, यही है विजय का चिन्ह, यही है विजय का चिन्ह, सभा में प्रतिध्वनि हुई। थंगल बोला, बेबर के युद्ध में जब पैगंबर के लोगों पर काफिरों की सेना ने भारी अनर्थ किया तो इसी सेनापति जिब्रिल के साथ अल्लाह ने केवल 2,000 लोगों की सेना उनकी सहायता के लिए भेजी थी। उस समय भी इसके मुकुट में 3 तारे लटके हुए थे, अभी भी 3 ही तारे लटक रहे हैं। आहा क्या तेज है, ओहो कैसा है ये तेज, हमें तो ये दिखाई नहीं देता, परंतु वह तुम्हें ही दिखाई देगा। किस तरह जनाब, किस तरह, हम पापियों को जिब्रिल के मुकुट के 3 तारे तेरे दिखाई देंगे। जब तुम काफिरों से लड़ते लड़ते बलिदान हो जाओगे तभी तुम्हें दिखाई देने लगेंगे और काले काले तथा बड़े बड़े नेत्रों वाली परियां और सुंदर किशोर हंसते हुए तुम्हारे साथ खड़े होंगे। सुरतुत्तूर अध्याय में जो कुछ लिखा गया है वह सब सत्य है, तो बोलो इसमें गोरखों के संबंध में क्या कहा गया है। देवदूतों के सामने गोरखे सिंहों के समक्ष मच्छर के तुल्य है, सभा में लोग गरज उठे। तो फिर आज ही गोरखों पर धावा बोलने के लिए तैयार हो जाओ, मोगले खाली हाथ ही जाएंगे और काफिरों की बंदूकों से गोलियां ही नहीं दग सकेंगी, काफिरों की गोलियां मोगलों पर नहीं चल सकती, तो फिर हम आज ही धावा बोल देंगे, अल्लाह अकबर दीन दीन। तो फिर निश्चय हो गया, मौलवी बीच में बोल पड़ा, गोरखों पर तो धावा बोलना है परंतु पहले हमें घर में बैठे इन सरपों को इन शत्रुओं को मिट्टी में मिलाना होगा, तभी हम चलेंगे। हे थंगल
अब जो बंदी बाकी रह गए उनका फैसला एक साथ ही करते चलो, इस संबंध में और अधिक सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इनमें से जो औरतें पसंद आए उन्हें अलग निकाल लो, बाकी सबका कत्ल कर लो। यदि ये शत्रु जीवित रह गए तो उन काफिर गोरखों के से मिलकर यही हमारे नाश का कारण बन जाएंगे, मारो मारो झटपट इन्हें उसी प्रकार कुएं फेंक दो। इन क्रूर शब्दों के मौलवी के मुख से निकलते हुए 200 हिंदू बंदी सहसा ही दुख के सागर में डूब गए। वृद्ध महिलाएं, अबोध बालक, तरुण बाल, वृद्ध स्त्रियां और पुरुष सभी के प्राण इस क्रूर मौलवी के शब्दों को सुनते ही सूख गए। मारो मत मेरे पुत्र को, मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मारो मत, मुझे मार दो, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मत मारो, मैं मुसलमान हुआ जाता हूं। अनेक ध्वनियां, अनेक वेदना एक साथ कोहराम मच गया। उस मौलवी के इन कठोर शब्दों का हुआ यह परिणाम, उस अत्याचारी मौलवी के इन कठोर शब्दों को सुनकर उत्तेजित हुए मोपले एकदम उन निशस्त्र भयभीत दीन दुखी बंदियों पर टूट पड़े। जिसकी तलवार जिधर पड़ी उधर ही काटती चली गई, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सिर कटा, रक्त, मांस, मज्जा और अंतड़ियां निकल निकल कर बाहर आ गई और इन सैकड़ों मानवों के प्राण ले लिए गए। उनके कटे हुए अंग प्रत्यंग, निर्जीव देह और अनेक तड़पते हुए लोगों को भी उस कुएं में धक्का देकर मिट्टी में मिला दिया गया। मौलवी ने थंगल से पूछा, क्यों जनाब, न्याय कर्म पूर्ण हो गया है ना? और थंगल ने उत्तर दिया, हाँ सब काम पूरा हो गया है। मौलवी वहीं बड़ी गंभीर मुद्रा सहित खड़ा हुआ और आसपास जितनी दूरी तक देख सकता था देखकर बोला, ईमानदारो अल्लाह की फतेह, आज इस क्षण में अपनी आयु के प्रति आज इस क्षण में अपनी आयु के अति उच्च शिखर पर आरूढ़ होकर खुदा को अनेकानेक धन्यवाद देकर कहता हूँ कि मेरे हाथों से इस कुट्टम्ब गोपुर तालुका में एक भी हिंदू जीवित नहीं बच पाया है। मेरे राज्य में इस समय एक भी देवालय अथवा मूर्ति का अस्तित्व नहीं रह गया है। कुछ तो मुसलमान बनाए गए हैं, सैकड़ों काफिरों की हत्या कर दी गई है, अनेकों काफिरों में नास्तिकों का बीज नाश कर दिया है, सैकड़ों देवताओं को भूल लुंठित कर दिया गया है। बस अब केवल विश्वासी सतधर्मी पैगंबर और अल्लाह का जयघोष ही मेरे राज्य में सुनाई पड़ता है। अब इस खिलाफती राज्य में कोई भी अन्यायी, पापी, मूर्ति पूजक, अधर्मी और अत्याचारी बाकी नहीं बचा है। मौलवी का मेरे राज्य में कहना तथा उस थंगल को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाना थंगल के मन को नहीं रुचा। फिर भी प्रकटतः विरोध नहीं करते हुए किंतु अपना महत्व स्पष्ट करने के लिए थंगल बीच में बोल उठा, परंतु गोरखों के आने का जो समाचार प्रकट हुआ है, यदि पहले ही उनका प्रतिकार नहीं किया गया तो संभवतः अल्लाह तुमसे यह यश छीन लेगा। वहां से जैबरिल की देवदूतों की सेना भी चल पड़ी है, अल्लाह उसे विजय प्रदान करे। किंतु जब तक वह यहाँ पहुंचती है तब तक एक आवश्यक कार्य के रूप में जिसने इस खिलाफती राज्य की स्थापनार्थ कष्ट सहन किए हैं उनमें से प्रत्येक को यथोचित पारितोषिक दे दिया जाए और इस कार्य से निवृत्त होते ही जितना शीघ्र हो सके हमें अपने शत्रुओं की सेना को धुएं में मिला देने के लिए प्रस्थान कर देना है। यह राज्य सभी के प्रयास से प्राप्त हुआ है, यह खिलाफत राज्य है, इसकी संपत्ति पर सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है। संपत्ति सबकी है, सम्मिलित है, सभा में गर्जना हुई और मृत्यु भी सबकी एक साथ ही आएगी। वह वृद्धा खो खो करते हुए हंस पड़ी। मौलवी की छाती में आघात सा लगा किंतु मोपलों के मन में तुरंत उत्तेजना का संचार करने के लिए बोला, हाँ चलो और काफिरों की उन सब कन्याओं को मेरे पास भेज दो। मैं सब युवतियां और किशोर कन्याएं जिनकी हत्या नहीं की गई थी एक स्थान पर एकत्रित कर ली गई थी, उन्हें लाकर लोगों की इस भीड़ के सामने खड़ा किया और थंगल बोला, छोकरियों तुम में से जो मुसलमान होना पसंद करेगी उनसे मुसलमान सरदार विवाह करके उन्हें विधिवत अपनी अर्धांगिनियों के रूप में संपूर्ण अधिकार देंगे, किंतु जो मुसलमान बनने को तैयार नहीं होंगी उन्हें बलात् दासियों के रूप में जीवन बिताने के लिए मोगला सैनिकों में बांट दिया जाएगा। परंतु मैं मरने को तैयार हूँ, मैं भी वही निर्भयता सहित 5-6 वीर कन्याएं आगे बढ़कर भर उठी। तभी वे वृद्धा आगे बढ़कर उन वीर कन्याओं में से एक के गले में हाथ डालकर बड़े प्रेम से बोली, मेरी छोकरी तू तो अभी कली सी है, मरना तो सभी को पड़ेगा, परंतु लड़की थोड़े दिनों आनंद का उपभोग क्यों नहीं करती? जिस मोगले को तू चाहती है उसे चुन ले और मुझे बता दे, हिंदू की अपेक्षा मोगला कहीं अच्छा है, मैं तुझे अपने अनुभव के आधार पर यह बात बता रही हूँ। परंतु उस आत्मसम्मानी वीर बाला ने उस मोगला वृद्धा के मुख पर कस कर एक तमाचा जड़ दिया, किंतु इससे भी उस विक्षिप्त सी वृद्धा को एक प्रकार से संतोष का अनुभव हुआ। बोली, ओहो यदि हिंदू पुरुष इस प्रकार दूसरों के मुख पर तत्काल चांटा मारना सीख जाते तो मेरी छकुली मैं भी तेरे साथ ही मरने के लिए तैयार हो जाती, परंतु इन मुर्दों में तो निराश साधु बना ही भरा है। इधर इन दोनों में चर्चा चल रही थी और उधर मौलवी ने मोगलों को आदेश दे दिया कि वे अपनी अपनी पसंद की युवती को चुन लें। पहले तो बड़े सरदार, फिर मध्यम वर्ग वालों और बाद में सैनिकों को चुनने का अधिकार दिया जाना निश्चित हुआ। सबसे पहले वह मोहम्मद बोला, मुझे तो लक्ष्मी चाहिए। यह सुनते ही मौलवी का चेहरा तमतमा उठा, उसे अपने पास खींचते हुए मोहम्मद बोला, मुझे लक्ष्मी चाहिए, मैंने उसे लिया और हम सब में जो सबसे सम्मानित अधिकारी है उस मौलवी को इसे अर्पित करता हूँ। ठीक ठीक, सभी बोल उठे। किंतु थंगल को लगा कि उसका मौलवी ने जानबूझकर अपमान किया है, परंतु वह मौन रहा। उसी समय इब्राहिम बोला, मौलवी के उपरांत चयन करने का अधिकार मुझे है। परंतु अब्दुल आवेश में आकर बोला, नहीं मेरा है। तभी इब्राहिम बोला, मैंने 3 देवालय भूमिसात किए हैं, 10-20 स्त्रियों और युवतियों का पकड़ कर लाया हूँ,
मैंने उनके पिता भाइयों अथवा पतियों को जान से मार दिया है अथवा घायल कर दिया है अथवा मुसलमान बना दिया है, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। इस खिलाफत राज्य में मुझसे अधिक धर्म प्रचार और शत्रुओं का दमन और किसने किया है? अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला बोल उठा, मैंने कुट्टम की ब्राह्मण बस्ती में उनकी सभी पुस्तकों को आग लगाई है। सुमति का पीछा भी मैंने किया। हिंदू पर दया करो कहने वाले और हम धर्मवीरों के धैर्य और कृत्यों को अत्याचार समझने वाले खिलाफत राज्य के दुष्ट उस शिया मुसलमान कबीर का सिर मैंने ही अपनी लाठी के प्राण घातक प्रहार द्वारा फोड़ कर ठंडा किया। अफगानिस्तानी अमीर के दिल्ली पहुंचने का शुभ समाचार सब लोगों को मैंने ही दिया। अली मुसेगिर के समक्ष माधव नायर के पेट में इसलिए छुरी भौंकी थी कि उसने खिलाफत का काम करते हुए भी 10 लाख रुपए के स्थान पर केवल 10,000 रुपए ही जमा किए थे। मैं काफिरों के देवों से लड़ा हूँ, मैंने सैकड़ों काफिरों से लड़ाई की है और काफिरों की सैकड़ों स्त्रियों से लोहा लिया है। वह उन्मादिनी वृद्धा गर्ज उठी, तो फिर तू ही सर्वाधिक शूर और धर्मनिष्ठ है, परंतु मैं लगातार 3-4 दिन तक अहर्निश काफिरों के घरों को जलाती रही हूँ। मैंने आधा मलाबार जला दिया है। मैंने ही मुस्लिम धर्म के अभियान को हृदय में बसाकर उन काफिरों के बीच में घुसकर उन्हें यह बताया है कि हिंदू रहने में क्या हानि है। क्या मेरा धर्माभिमान तुम में से किसी से कम है? अल्लाह की कसम, मैंने 2 काफिरों की कन्याओं को। यह विवाद रोकने के लिए मौलवी बोला, बस बस इब्राहिम, अब्दुल्ला, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा तथा अनेक अन्य वीरों का यह कार्य निश्चय से ही तुम्हें इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होने का कारण बनेगा। तुम्हारे पराक्रम के फलस्वरूप इस राज्य पीठ पर आरूढ़ होकर मैं सहगर्व यह कह रहा हूँ कि मेरे इस राज्य में आज एक भी काफिर जीवित नहीं रहा। अब इस खिलाफती राज्य में केवल परमेश्वर और पैगम्बर की आज्ञा मानने वाले सधर्मनिष्ठ ईमानदार मुसलमान ही रह रहे हैं। यहाँ का राज्य कारभार इस्लामी कायदे के मुताबिक ही चल रहा है, अतः यहाँ तो नाम मात्र के लिए भी अन्याय नहीं हो सकता। तदनुसार मेरी आज्ञा है कि इस धर्म युद्ध में की गई लूट को आप लोगों में पवित्र कुरान की आज्ञा अनुसार ही बांट दी जाए। 8वें अध्याय की 1वीं आयत में कुरान शरीफ में कहा गया है कि हे विश्वासनिष्ठ मुसलमानों, तुम्हें काफिरों से लड़ते हुए प्राप्त हुई लूट के प्रश्न पर विवाद नहीं करना चाहिए। निश्चय से यह सब लूट की संपदा परमेश्वर की है, उसी ने यह सब कुछ प्रदान किया, ऐसे सबको मानना चाहिए। परमेश्वर जो 7वें आसमान में विराजमान है, उसने पृथ्वी पर लूट का अधिकार पैगंबर को दिया, पैगंबर ने वह खलीफा को दिया, अर्थात खलीफा ने जब इस तालुके का राज्य का मुझे खिलाफत राज्य के प्रतिनिधि के रूप में दे दिया, तभी इस संबंध में मुझे संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए। अतः सर्वप्रथम इस लूट पर मेरा अधिकार है। इस लूट में से मैं तुम सब धर्मवीरों को हिस्सा बांट कर देना चाहता हूँ। यह मेरी उदारता और धार्मिक प्रवृत्ति है, अतः मैं जिस ढंग से इस लूट का बंटवारा करना चाहता हूँ तुम्हें वाद विवाद न करते हुए स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कहते उसने जो लड़की जिसने चाहिए उसे दे दी, तदुपरांत अधेड़ आयु की महिलाओं का बंटवारा किया। उनमें से एक सदवा ने रोते हुए कहा, दया करो, मैं विवाहित हूँ, मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दीजिए, अन्यथा मुझे जान से मार डालिए। कंगल बोला, हे स्त्री, जब तक तू मुसलमान नहीं हो जाती तब तक तुझे पति मिल पाना असंभव है। कारण यह है कि कुरान शरीफ के 4वें अध्याय की 25वें आयत के अनुसार नास्तिकों की जो स्त्रियां प्राप्त होती हैं उनके पहले विवाह समाप्त हो जाते हैं, वे मुसलमानों की संपत्ति हो जाती हैं। और कुरान शरीफ की 220वीं आयत के अनुसार काफिरों की स्त्री चाहे कितनी भली क्यों न हो उसके मुकाबले मुसलमान दासी भी श्रेष्ठ होती है। काफिर पति को शास्त्र मान्यता नहीं देता, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने पर तुझे मुसलमान पति मिल सकता है, उसके बिना नहीं। पर तू मुझे जान से मार देना तो शास्त्र में तो नहीं होगा? जिस शास्त्र ने अबोध बालकों वृद्ध पुरुषों को मारने की अनुमति दी, अस्पृश्य कुमारियों को भ्रष्ट करने दिया, वह देव मूर्तियों को भग्न करने दिया, उस शास्त्र में मेरे शरीर की निरुपयोगी किसी स्त्री को मारना भी अनुचित नहीं होगा। मुझे मार डालो, मैं हिंदू हूँ अतः मुझे मार डालो। थंगल बोला, ए स्त्री, परंतु यह समझ। तभी मैं मोगला वृद्धा क्रोध में आकर बोली, ए थंगल, लगता है कि तू मुसलमान ही नहीं। अध्याय 7 158वीं आयत में भला क्या कहा गया? संपूर्ण कुरान में से मैंने केवल यही एक आयत पढ़ी है और उसी एक आयत के कारण मेरी आत्मा प्रकाश हो गया। मुसलमानों को शायद के अनुसार विश्वास करना चाहिए, निरक्षर ईश प्रेषित मोहम्मद पर विश्वास लाना चाहिए। तर्क वितर्क क्यों किया जाए? जो तर्क वितर्क करे भला वह मुसलमान काहे का है? इतने में एक मोगला एक अन्य स्त्री को पकड़ कर ले आया और बोला कि एक काफिरनी स्त्री इस खिलाफत राज्य में अभी भी जीवित है। वह वृद्धा बोली, ले आओ उसे आगे। और उसने पुनः खो खो करके हंसते हुए कहा, अरे रे, यह तो मुझसे भी अधिक कुरूप है, भला इसे कौन पसंद करेगा? भला देखो, कोई एकाद इसे ग्रहण करने को तैयार है क्या? मोगलों में से अनेक लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, एकाद क्या, हम सारे ही मिलकर। फिर उनमें से जब कोई भी उसका हाथ थामने को तैयार नहीं हुआ तो उस मोगला वृद्धा ने कहा, तो मर जा रांड। तब बीहल और बेचैन होकर वे बोली, तुम चाहते हो तो मुझे मार देना, परंतु आज मुझे मत मारो, मैं पैरों पड़ती हूँ, मैं गर्भवती हूँ, 2 महीने बाद मैं संतान को जन्म दे दूं तो सुख सहित मुझे मार डालना, परंतु अभी मेरे कारण इस गर्भ में आए निरपराध प्राणी की तो हत्या नहीं करो, मैं गर्भवती हूँ। अरे क्या क्या है, तो गर्भवती है, बस यही बात है ना? तो फिर नरक में भी संतानों को जन्म देने के लिए अलग कोठरियां हैं, तू मरेगी तो उन्हीं कोठरियों में से एक तुझे मिल जाएगी, और इतना ही क्यों?
बस मैं भी 2 मास पश्चात ही तेरा प्रसव होने का तेरे पीछे ही पीछे नरक में पहुंच रही हूं, अतः मरने का भय न कर। उसके इस कथन को सुनकर मोगले ठहाका मारकर हंस पड़े। उनके इस भीषण विनोद से उत्तेजित होकर उस विक्षिप्त सी हुई वृद्धा ने अपनी छुरी उस महिला के पेट में घोंप दी और वह बेचारी दम तोड़ गई तथा उसके उदर में स्थित शिशु भी टुकड़े टुकड़े हो गया। खिलाफती राज्य के पहले दिन यह डोंडी पीट दी गई थी कि जो भी मोगला नर नारी किसी भी हिंदू को पकड़ेगा उसे पारितोषिक दिया जाएगा। तभी से मोगले हिंदुओं का आखेट करते हुए घूम रहे थे। आज एक मोगला महिला अपने ग्राम की एक जीर्ण शीर्ण झोंपड़ी में रहने वाली एक अत्यंत वृद्धा हिंदू स्त्री को पकड़कर ले आई थी। वह बहुत समय से कुट्टम ग्राम की घुड़साल के समीप चुपचाप रह रही थी, अतः उसकी ओर किसी का ध्यान भी कभी नहीं जाता था। वह भी किसी से कोई संपर्क में रखती थी। वह यदि किसी से कभी बोलती भी तो धीमे धीमे 2-4 शब्द, इसलिए लोग उसे गंजी के पास रहने वाली औरत के नाम से ही पुकारते थे। इस पगली के समान रहने वाली हिंदू नारी की भी आज बारी आ गई थी। उसके वहां लाए जाते ही उन मोगलों के मुख पर पुनः हास्य की मधुरिमा व्याप्त हो गई। उनमें से कोई बोल उठा, ये घुड़साल के पास रहने वाली औरत, अरे ये इतने दिनों तक कैसे बची रह गई है, अरे इसे तो मैं प्रेम करता हूँ। दूसरा बोल उठा, नहीं मैं इसे चाहता हूँ। मोगला सैनिकों में से एक बोला, इसे पकड़कर लाने वाली बीबी अम्मा को 1 कौड़ी इनाम दे दिया जाए। दूसरे ने कहा, इसे पकड़ने के बदले में तो ये मोल बहुत ही कम है, इसके लिए 1 कौड़ी तथा 1 आधी कौड़ी 1.5 कौड़ी पारितोषिक दिया जाना चाहिए। मैं तुझे 150 नहीं 150 कौड़ियां देने को तैयार हूँ, तू इसे अपनी बना ले। इस प्रकार नाना प्रकार की गुंडागर्दी का प्रदर्शन उन मोगलों द्वारा किया जा रहा था। वे मनोरंजन में मग्न थे। उनके विनोद से उत्तेजित होकर वे मोगला वृद्धा अपनी मशाल लेकर उस घुड़सवार के पास फूस के घर में रहने वाली स्त्री की ओर बड़ी तेजी से रसायित बढ़ी और उसके पास पहुंचकर बोली, ये अप्सरा, क्या तेरा भी संसार में कोई था, तेरा बाप? वे अति वृद्ध महिला बोली और ठाका मारकर हंस पड़ी। क्या तेरा मूल्य सचमुच मेरी फूटी कौड़ी के बराबर है? नहीं, तेरी फूटी कौड़ी जितना नहीं, तेरी फूटी खोपड़ी जितना है। ठीक है फिर, थोड़ा उचक्कर वह पगली सामने हट गई। उसका उन्माद उतरसा गया और जिस प्रकार कोई याचक किसी से याचना करते समय अनुनय करता है वैसी मुद्रा का प्रदर्शन करती बोली, अच्छा ठीक है, पहले यह बता तू कौन है, कब से यहाँ रह रही है और कहाँ से आई है? बता, तुझे जो कुछ बताना है देख, अब मैंने अपनी मशाल भी बुझा दी है। इस प्रकार विचित्र सी मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए पगली मोगला स्त्री ने अपनी मशाल धूल में डालकर बुझा दी। उसके कृत्य से उसकी उद्दंड विक्षिप्तावस्था का नहीं उसकी उद्दंड विक्षिप्तावस्था का नहीं अपितु अपूर्व आचरण का ही परिचय मिल रहा था। वह पगली पुनः बोली, बोल कौन है तू, बोल, यदि सच में मेरी कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। तुरंत मौलवी तुरंत ही बोल उठा, यह क्या गड़बड़ शुरू कर दी है, भला बूढ़ी अम्मा क्या इस बुढ़िया से गप्पे मारने का यह समय? मौलवी की शेखी से चिड़ा हुआ थंगल मौलवी का अपमान करना चाहता था। अब उसे आशा हो गई थी कि पगली बूढ़ी अम्मा द्वारा भी अब उसका साथ दिया जाना संभव है। अतः थंगल ने कहा, बूढ़ी अम्मा तुम जो कुछ कहती हो ठीक है, तुम्हारी ये बात उचित ही है कि इस स्त्री से पहले इसका नाम धाम पूछा जाए और जो कुछ ये कहना चाहती है उसे सुना जाए, हो सकता है कि इससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। और उसने फूस के घर में रहने वाली उस हिंदू स्त्री से कहा, ओ बढ़िया बता तू कहां से आई है, सच सच बता। मौलवी बोला, इस तरह समय नष्ट हो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? थंगल बोला, मैंने तुम्हारी अपेक्षा धर्मशास्त्रों का अधिक अध्ययन किया है, यह स्पष्ट है, अतः मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समय किस बात में नष्ट होता है और किस में नहीं होता। यह वृद्धा हो गई है, उन्मादनीय है, किंतु फिर भी इसकी भी तो आत्मा है, अतः इसे मारने अथवा कोई अन्य दंड देने से पहले आवश्यक है कि इसकी बात पूरी तरह सुनी जाए। इस्लामी कानून किसी को भी अन्यायपूर्वक दंड देने की अनुमति नहीं देता। खिलाफती राज्य में अभियुक्त की बात सुने बिना उसे दंड अथवा पारितोषिक नहीं दिया जाता। खिलाफती राज्य न्याय और धर्म का राज्य है। थंगल के इस कथन के पश्चात भीड़ में से सैकड़ों लोग एक साथ बोल उठे, हे स्त्री बता तू कुछ कहना चाहती है क्या, क्योंकि यह उनके लिए मनोरंजन के समान था। उस स्त्री ने अपने दंत विहीन मुख से धीमी धीमी आवाज में कहा, मैं जो बताऊंगी वह कोई व्यंग नहीं है, मेरी यही इच्छा है कि मैं हिंदू धर्म के अनुरूप ही आचरण करूं और हिंदू के रूप में ही अपनी देह का परित्याग करूं। मुझे जब इस मोगला नारी ने पकड़ा तो मैंने इसके पैर पकड़कर पूछा था कि मुझे क्यों लिए जा रही हो, यदि तुम देव मूर्तियां तोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे यहाँ एक भी देव प्रतिमा नहीं है। अगर तुम कुमारी की लज्जा का हरण करना चाहती हो तो मेरी लज्जा तो कवि की राख की ढेरी बन चुकी है। अगर तुम किसी पुत्रवती के उस स्तन पर तलवार चलाना चाहती हो जिससे दूध की धारा प्रवाहित होती है तो मेरी छाती का दूध तो सांप पी गया है। अब तो किसी लताविहीन वृक्ष के समान ही मेरी छाती शुष्क दिखाई देती है। सारांश यह है कि धर्म युद्ध करने वाले इन मोगले वीरों के किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए उपयोगी सामग्री अब मेरे पास नहीं रही। यह सब बताते हुए मैंने पुनः यही पूछा था कि भला मुझे क्यों पकड़ लिए जाती हो, परंतु इतने पर भी यह मोगला महिला मुझे यहाँ पकड़कर ले ही आई है। मैं अब भी अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहती, साथ ही मेरी यह भी इच्छा है कि मुझे भली भांति इस नर सर्प को देखने दो। मैं ही तो वह माँ हूँ जिसके स्तन का दूध पीकर मनुष्य भी सांप बन गया। संपूर्ण मलाबार में मैं ही तो एकमात्र स्त्री हूँ जिसने अपने इन स्तनों से जिन बालकों को दूध पिया है उनमें से एक तो सांप बन गया,
उसे मैंने घर से निकाल दिया और जो मनुष्य ही रहा उसे मैंने अपने घर से 150 फुट की दूरी से आगे नहीं आने दिया। ए बुढ़िया, ये क्या बकवास कर रही है? थंगल की आज्ञा को निष्फल करने था उसे बोलना बंद कराने के लिए मौलवी गरजा, कौन सांप, मानुष कौन, व्यक्ति क्यों है, बता सांप कौन? सांप तू और मनुष्य वह कंबू व्यथिया जिसे जान से मार दिया गया है, और देख मैं भी मर रही हूँ, परंतु इतना कहकर मर रही हूँ कि मेरे दूध की धारा मेरे बेटे के पेट से होकर उसका रक्त बनकर तेरे रक्त में गई है। मेरे गर्भ से ही तेरे पिता ने जीवन पाया है जिसने तुझे जन्म दिया। चुप रहो साली, क्या भक्ति है? मौलवी की नसों में पैगंबर मोहम्मद का रक्त प्रवाहित हो रहा है। पैगंबर की मौसी की बहन का जो सगा पड़ोसी था उसकी भांजी का जो लड़का है वही मेरा पूर्वज है, समझी? रांड कहीं की, मैं सैयद हूँ, अरब हूँ, मैं कुरेश हूँ। मौलवी के रुष्ट होने का कारण स्पष्ट था, खिलाफती राज्य का मुख्य अधिकार अरबों को और उनमें से भी जो पैगंबर की जाति में उत्पन्न हुए थे ऐसे असली मुसलमानों के हाथों में ही रहने की परंपरा के कारण वह मौलवी अपने आप को असली कुरेश बता रहा था, परंतु उस स्त्री के उपरोक्त वाक्यों ने उसके मर्म स्थल पर जो घाव लगाया था उससे वह तिलमिला उठा था, किंतु मौलवी को उस वृद्धा के शब्दों पर जितना क्रोध आया था उतना ही उसके वाक्यों से थंगल को संतोष प्राप्त हुआ था, अतः उसकी उत्सुकता बड़ी थी। वह समझा था कि इस वृद्धा के द्वारा निश्चित रूप से कोई न कोई रहस्य प्रकट किया जाएगा और फिर मौलवी का दर्प एक क्षण में चूर्ण हो जाएगा। इस आशय को स्वहित बना थंगल बोला, हे औरत, तू तनिक भी न घबरा, जो कहना चाहती है वह कह दे, निर्भयता सहित जो भी सत्य है उसे स्पष्ट शब्दों में बता दो। तो फिर सुनो, स्पष्ट शब्दों में सुनो, मैं तालपुत्तूर ग्राम की रतन कनीसन की पत्नी हूँ। मेरी कोख से 3 बालकों ने जन्म लिया, उनमें से 2 लड़के थे और सबसे छोटी संतान की लड़की। हम कनीसनों की जाति थीयों से भी छोटी समझे जाने वाली जाति है, अतः हम ग्राम से दूर एक छोटे से घर में रहते थे। हमारे पड़ोस में ही खेतों में काम करने वाले एक मोपला परिवार की झोंपड़ी थी। उस वर्ष बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था, परंतु हमने उस मोपला कुटुंब के सब लोगों को अपनी रोटी में से रोटी और सब्जी में से सब्जी देकर उस परिवार के प्रति दया प्रदर्शित की। वह मोपला भी कहता था, अल्लाह तेरा भला करे, तू हमारी माँ है। वह जब आंखों में अश्रुकण छलका कर यह शब्द कहता था तो मैं भी मन ही मन कहती थी, यह भी तो मेरे पुत्र के समान ही है। हमारे मन में उनके लिए कभी अंतर नहीं आया। यह दुष्काल समाप्त हुआ, वह मोपला परिवार भी खा पी कर पल गया। इन्हीं दिनों अखाड़ तालुका में मोपलों द्वारा उपद्रव किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। उसके साथ ही साथ दीन दीन करते हुए एक दिन उपद्रवियों की टोली हमारे ग्राम में आ पहुंची। मैं तथा मेरा पति रतन थर थर कांपते हुए अपनी संतानों सहित वहां से भागकर दूर जंगल में जाकर छिप गए, किंतु वे उपद्रवी भी हमारा सुराग लगते लगते वहीं आ पहुंचे और उन्हें हमारा पता बताने का काम उसी मोपला परिवार ने किया जिसकी हमने दुष्काल में प्राण रक्षा की थी। उन्होंने मेरे पति के प्राण ले लिए, मुझे नंगा कर मेरी लज्जा का हरण किया, तो किसने? उन्हीं मोपला मुसलमानों ने जो हमारे यहाँ पले थे और मुझे माँ कहते थे। किंतु इस विपत्ति के आने पर भी मेरी छोटी लड़की को साथ लेकर मेरा बड़ा लड़का छिपता तालपुत्तूर ग्राम में आश्रय लेने की प्रार्थना करता हुआ घूमने लगा। चारों ओर ही उपद्रवी थे, परंतु मेरी संतानों को कोई गांव वाला अपने पास भी नहीं फटकने देता था। मेरा पुत्र एक दिन ब्राह्मण के पैरों में पड़कर बोला, महाराज, मुसलमान हमें बलात् मुसलमान बनाना चाहते हैं, आप सभी हिंदुओं के गुरु हैं, हमारी रक्षा कीजिए। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा कि हो जाना फिर मुसलमान, इससे मेरा क्या जाता है। तब मेरा लड़का भयभीत होकर रात्रि में एक मंदिर में जा छिपा, परंतु वहां भी उसे एक नायर क्षत्रिय ने देख लिया और चीख उठा। उस देवालय के प्रांगण में कुत्ते सुख से सोए हुए थे, किंतु मेरे पुत्र को मार मार कर उस क्षत्रिय ने देवालय से बाहर धक्का दे दिया। मेरे पुत्र ने उसकी बड़ी अंगने विनय की और बोला, महाराज, आप क्षत्रिय हैं, हम हिंदुओं के रक्षक हैं, वे हमें मुसलमान बनाना चाहते हैं, तो क्या आप हमें हिंदू धर्म से च्युत होते हुए चुपचाप देखते रहेंगे? वह बोला, मुसलमान तुम्हें भ्रष्ट करना चाहते हैं तो क्या तुम देवालय को ही भ्रष्ट करोगे? भाग, नहीं तो मारा जाएगा। तेरा धर्म तेरे साथ है, मेरा धर्म मेरे साथ, मुझे तुझसे क्या लेना देना है? तब मेरा पुत्र दुखी होकर थिया लोगों के पास अपनी बस्ती के पास बनाए गए फूस के ढेरों के कूप में जाकर छिप गया। तब उसे देखते ही थिया भी भड़क उठे, कनीसन जाति के बालक फूस में आकर छिप गए हैं, हम महाराव का अनिष्ट हो गया है। मेरा पुत्र बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ, महाराज, तुम महान हो और हम कनीसन डोम, आपसे भी हम नीचे हैं, परंतु मुसलमान हमारे पीछे पड़े हुए हैं और वे कहते हैं कि तुम हिंदू धर्म छोड़ दो अन्यथा मारे जाओगे, आप हमें आश्रय दीजिए, आप महार थिया हैं और वापी सत्तार व तेली आदि जब आप लोगों को अपने से दूर रहने को कहते हुए झिड़कियां देते हैं तो आपको वह अन्याय प्रतीत होता है। महाराज, वही अन्याय आज तुम हम पर कर रहे हो, आप हमें आश्रय दीजिए, यदि हम हिंदू से मुसलमान बना लिए गए तो क्या तुम्हारे हिंदू धर्म का क्षय नहीं होगा? वे महार थिए क्रुद्ध उठे और बोले, क्या हिंदू धर्म तुम लोगों के सारे जिंदा है और तुम मुसलमान हो भी गए तो क्या वह नष्ट हो जाएगा? तुम कनीसन हिंदुओं को महार छूते नहीं है, जो मुसलमान नहीं हुआ तो हो जा, हमें से क्या मतलब है? अभी महार ये शब्द कह ही रहे थे तो उस ग्राम पर भी मोपले टूट पड़े, परंतु पुलिस के आ जाने के कारण मोपले भाग खड़े हुए। केवल मेरी पुत्री को वापस जाते समय उन मोपलों ने उठा लिया। वह दीन गाय के समान रंभाती और चीखती रही, परंतु किसी हिंदू ने भी उसके अपहरण की चिंता नहीं की।
वे तो सभी अपने ही मन सोचते थे मुझे इससे क्या, मुझे इसी से क्या लेना देना। वे यही कहते रहे और मेरी कन्या पर मुसलमानों द्वारा अत्याचार किया जाता रहा। अंत में उसे एक मोपला अपनी रखेल बनाकर ले गया। थोड़े दिनों के पश्चात वे बीमार हो गई और कुछ दिनों के पश्चात उससे मेरी भेंट हुई, परंतु वे पागलों के समान यही बोली मुझे इससे क्या, मुझे किसी से क्या लेना देना। इन मरे हिंदुओं को कोई अच्छी तरह सिखा दे कि उसके इस कथन मुझे किसी से क्या लेना देना क्या परिणाम क्या होता है। कुछ दिनों पश्चात तो उसकी स्थिति यह हो गई कि वह जब कहीं किसी भी हिंदू को देखती तो तत्काल कह उठती मुझे इससे क्या, सिखाऊं तुझे मैं कि तुझे इससे क्या लेना देना है। मेरे दोनों लड़के भी पकड़ लिए गए और उन्हें भी धर्मच्युत किया गया। उनमें से जो उस कन्या को लेकर निकल गया था, निकल भागा था, वही मेरे पास रह गया। परंतु वह भी छोटा ही था कि उस पर एक दिन एक मोपला थंगल की पाप दृष्टि ऐसी पड़ी कि वह उसे मेरे पास से भला छीन ले गया। उसे उसने एक मुसलमानी पाठशाला में कुरान का सेस्वर और आद्योपांत पाठ पढ़ाया और सिखाया। वह पक्का मुसलमान बन गया और इतना पक्का मुसलमान कि एक दिन स्वयं मुझे और अपने बड़े भाइयों को भी इस आरोप में जान से मार डालने को तैयार हो गया कि हम धर्मानुसार नमाज अदा नहीं करते। हमको धर्मच्युत किया गया था किंतु हम धर्मच्युत नहीं हुए हैं यह बताते हुए हम तालपुत्तूर के सभी हिंदू बंधुओं के पास गए। हमने उनसे अनुनय विनय किया कि हमें पुनः हिंदू धर्म की शरण में लिया जाए, परंतु वे सभी ठाका मारकर हंसते और यही कहते हिंदू मुसलमान हो सकता है किंतु मुसलमान कभी हिंदू नहीं हो सकता। तुम्हें हिंदू धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। तू मूलतः कनीसन जाति की स्त्री है और मुसलमानों ने तुझे अपना लिया है, अतः तू हमें छू सकती है। तुझे पानी लेने कुएं पर तथा देवालय के सामने से हम गुजरने देते हैं। तूने गोमांस खाया तो भी तुझ पर क्रोध नहीं करते। तू राम और कृष्ण का अपमान करेगी तो भी हम कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ये तेरा धार्मिक अधिकार है, इसलिए हम क्रोध करने के अधिकारी नहीं। भला तुझे पुणे कुनीसन जाति में शामिल होने और हिंदू धर्म का अधिकार कैसे वापस दिया जा सकता है। जा, हम तुझे देवालय तथा अपने घरों से 150 फुट दूर रहने का अधिकार पुणे देने को तैयार नहीं है। मेरा दूसरा लड़का तो तब मारा ही जा चुका था। मैं तथा मेरा अन्य पुत्र दोनों ही उसी घर में थे। उस दिन तो हमने इसी प्रकार बिताए कि लोग हमें मुसलमान समझते रहे। एक दिन हम दोनों रामनवमी उत्सव की समाप्ति के उपरांत अपने घर में ही भक्ति भावना से तल्लीन होकर भजन कर रहे थे। तभी हाथ में छुरा लिए एक भयंकर आक्रांत हमारे घुस में आया और बोला मुसलमान बना लिए जाने पर भी तू अभी तक काफिरों के धर्म का पालन करती है। जो मुसलमान पुनः काफिर हो जाता है उसे जान से मार दिया जाए, यही हमारे धर्म की आज्ञा है। ऐसा कहते हुए चांडाल मुझे जान से मारने के लिए आगे बढ़ा, परंतु मेरे वीर पुत्र ने उछलकर कुल्हाड़ी उठा ली और उस पर इतने जोर से तथा चतुराई से वार किया कि वह या अल्लाह की चीख मुख से निकालता हुआ दम तोड़ गया। और वह आक्रमणकारी अन्य कोई नहीं, अभी तो वही मोपला था जिस पर दुष्काल के दिनों में मैंने दया दिखाई थी और जो मुझे माता कहकर संबोधित किया करता था। सुमति ने जिस सर को दूध पिलाया था उसने अपने दूध का उपकार निभाया था, परंतु मैंने जिस मोपले को खिला पिला कर पाला था उस मनुष्य ने पहले तो मेरी लज्जा का हरण किया और अब मेरे प्राण लेने का प्रयास किया। यह दिया था उसने मुझे उपकार का प्रतिदान। वस्तुतः सर्प का विष धर्म के लिए उन्मादी व्यक्ति के मन में निहित विष से कम ही भयंकर होता है। उस आक्रांता के हाथों से तो हम बच गए, परंतु उसकी हत्या का बदला हमसे लिया जाएगा। मुसलमान पुनः हमें हिंदू धर्म का परित्याग न करने के आरोप में मार डालेंगे। इस भय से हमने वह ग्राम छोड़ने का निश्चय कर लिया। मेरा पुत्र मैं जाति का थिया हूँ यह बताकर पुट्टम ग्राम में रहने लगा। मैं भी वही पहुंच गई, किंतु किसी को भी अपनी जाति अथवा गोत्र न बताते हुए और न ही किसी से विशेष संबंध ही रखते हुए ग्राम से बाहर रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात मेरे पुत्र का एक थिया कन्या से विवाह हो गया और उसको बाद में पुत्र भी प्राप्त हुआ। मुझे अपना वह पौत्र नाती बचपन से ही प्राणों से प्रिय रहा, किंतु मैंने उसे कभी यह नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और उससे मेरा क्या संबंध है, और न ही कभी मैं उससे जाकर मिली थी। वही मेरा पौत्र श्रीरंग मंदिर की रक्षा करते करते घायल हो जाने वाला तथा हिंदू जाति के रक्षार्थ प्राणों का भी बलिदान दे देने वाला हिंदू हुतात्मा कंबू था। यह हिंदू हुतात्मा कंबू था मेरा एक पौत्र और मेरा वह दूसरा पुत्र जिसे मुसलमानों ने बाल्यावस्था में मुझसे छीन लिया था और जो उन्हीं की शिक्षा दीक्षा के कारण कट्टर मुसलमान बन गया था, इतना पक्का कि मुझे भी जो काफिर बताकर मारने को तैयार था। उस मेरे दूसरे पुत्र का विवाह एक हिंदू चमार कुल की धर्मच्युत की गई मुसलमान कन्या के साथ हुआ। उसी का जो पुत्र हुआ वह मेरा दूसरा पौत्र है, उसके रक्त में मेरा ही दूध है। वह बाल्यकाल से मुसलमानी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता करता एक बड़ा मौलवी हो गया। वह मेरा दूसरा पौत्र अन्य कोई नहीं अपितु यही गयासुद्दीन है, जो श्रीरंग की मूर्ति को उल्टा कर उस पर आसन जमा कर तथा उनके पाद पीठ पर पैर रखकर बैठा हुआ है, जो खिलाफती राज्य का तुम्हारा कलेक्टर है। यह मौलवी चुप रांड कहीं की, अरे पगली क्या बकवास कर रही है, तुम्हारे नेता को नरक में धकेलने के लिए काफिरों ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा है, देखते क्या हो, देखते क्या हो, मारो, मौलवी चिल्लाया। काफिरों ने नहीं, वह वृद्धा बोल उठी, तो फिर शैतानों ने तुझे भेजा होगा, मौलवी पुनः कर जा। वे उठाई था कि थंगल ने कहा चुपचाप बैठे रहो, मैं थंगल हूँ, मैं यहाँ काजी हूँ, आपको भी अपना अपमान उसी प्रकार निकल जाना चाहिए जिस तरह मैं अपमान का कड़वा घूट निकलता रहा हूँ।
वह वृद्धा कहने लगी, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहूंगी, केवल एक ही वाक्य और कहती हूँ कि कंबू और गयासुद्दीन दोनों ही मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं। मेरे एक स्तन का दूध कंबू के रक्त में और दूसरे स्तन का दूध गयासुद्दीन के रक्त में मिला है। एक हिंदू उतात्मा और दूसरा मोपला मौलवी कैसे हो गया? रक्त का रंग लाल बताया जाता है, कहते हैं कि रक्त को रक्त आकर्षित करता है, परंतु मुझे प्रतीत होता है कि रक्त का कोई रंग नहीं, रक्त का रंग ठीक पानी ही सरीखा है। जैसी शिक्षा किसी को मिलती है वह उसी के रंग में रंग जाता है। यह है वह वाक्य। और एक नाम और भी सुनो, वह मेरी पुत्री जो हमेशा यही बकती थी कि मुझे इससे क्या, सिखाऊंगी कि तुम्हें किससे क्या लेना देना है, जो ऐसा कहते हुए भटकती फिरती थी, वे आज पुनः मुझे मिल गई है, मेरी वह पुत्री, ये पगली, ये मशाल वाली बुढ़िया। हाँ हाँ, मैं वही तो हूँ। जैसे किसी व्यक्ति पर चढ़ा हुआ भूत उतर जाने के उपरांत वह शांत मुद्रा में बोलने लग जाती है, उसी प्रकार शांत भाव से मशाल लेकर चलने वाली वृद्धा बोली, मैं वही हूँ। मेरी माता ने तो जो कुछ भी बताया वह सब सत्य है, और यह भी सत्य कि मैं कुछ पागल हो गई थी, परंतु मेरे इस उन्माद में भी एक बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थ निहित था। उसी अर्थ को लोगों को समझाने के लिए मैं जल्दी मशाल हाथ में लिए घूमती थी। मैं अपने संपूर्ण अंगों और धमनियों का पूरा जोर लगाकर इतनी जोरों से चीखती थी कि आकाश फट जाए। वस्तुतः मैं यही बताना चाहती थी कि हिंदुओं, तुम्हारी किसी भी उपजाति की एक कन्या अथवा बालक तुमसे अलग हुआ, पर धर्मियों के दुष्ट हाथों में पड़ गया, तो तुम सबकी क्या हानि होती है, यह मेरे उदाहरण से भी तुम्हें पता लग पाया है अथवा नहीं। यदि मेरी बाल्यावस्था में मेरी तथा मेरे भाई की मालपुत्तूर ग्राम के उन हिंदुओं ने रक्षा की होती, जो वे बड़ी आसानी से कर सकते थे, तो मैं भी आज उस कंबू के समान ही श्रीरंग की रक्षा जूझ पड़ती। यह मौलवी भी कंबू के समान ही हिंदू धर्म और हिंदू कुमारियों की पतिव्रता, पवित्रता और परित्राण के लिए ही आत्म बलिदान दे देता, किंतु हिंदुओं ने मेरे जैसे डोमों अथवा कुमारियों को कुछ भी महत्व न देते हुए उनकी लज्जा भ्रष्ट होने दी। उन्होंने मुझे मुसलमानों के हाथों पड़ने से बचाने के प्रयास में उस स्थान पर भी नहीं ठहरने दिया जहाँ कुत्ते आराम से रहते हैं। तुमने मेरी रक्षा नहीं की। वे यही सोचते रहे, यदि डोमो का कोई बालक अथवा बालिका पथ भ्रष्ट भी कर दी गई तो हमें इससे क्या। यह सोचकर ही मेरी अवहेलना की, अपमान किया, उसी का परिणाम है, भोग लिया कि नहीं। मुझे अकेली ही मशाल ने ही सैकड़ों हिंदुओं के घर जलाकर राख लिए, ढेरियों में परिणत कर दिए। जैसे मैं रोई थी उसी प्रकार सब बलात्कार किए जाने पर हिंदू कन्या बिलख बिलख कर रोती थी, तो मैंने वे दृश्य बड़े प्रसन्न मन से देखे हैं। मैं देवता की प्रतिमाओं पर सैकड़ों बार चढ़कर नाची हूँ। मैंने सैकड़ों हिंदुओं को मरते देखा है, मारे जाने पर यही सोचा है, पता लग गया उन्हें किसी से क्या लेना है। शायद इन्हें समझ आ जाए कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले उपद्रवों के समय यदि किसी डोम कन्या को उठाकर मुसलमान ले जाते हैं और वह हिंदू धर्म से च्युत कर जाती जाती उनका क्या जाता है। क्या ये अब भी यही कहेंगे कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास? दिल कहता है घोट दो इनका गला। मेरा धर्म तो मेरे पास से गया, किंतु इनके प्राण भी इनसे छीने बिना नहीं रह जाता। यह सत्य आज भी हिंदू को स्पष्ट दिखाई देता है अथवा नहीं? नहीं देख पाए तो देखो इन 300 हिंदू घरों में लगाई गई अग्नि से हुए उजाले में। देखो डोमों का एक बालक अथवा बालिका हिंदुत्व से निकलकर जब इतना हाहाकार चारों ओर करा सकता है। हे हिंदू जाति, मैं चिल्ला चिल्ला कर किलकारी मार मार कर यह बात कह रही हूँ कि तेरे जैसे हजारों बालक और बालिकाएं तेरे घरों से उठाए जा रहे हैं अथवा भगाए जा रहे हैं, और तू अभी भी यही समझकर बैठी हुई है कि भला मुझे इससे क्या। मेरी माता ने जो कथा सुनाई है वह केवल उसकी ही नहीं है हिंदू जाति, यह तो तेरी कहानी का ही एक प्रतिबिंब मात्र है। इस प्रकार एक प्रचंड किलकारी मारती हुई बीबी अम्मा वह पगली पुनः चीखी और क्षण भर बाद रुक गई। उस समय सब एकदम स्तब्ध हो गए। वह पुनः बेल उठी, बोल उठी, चाहे जो भी हो, मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया, मेरा पागलपन समाप्त हो गया, मेरी मशाल भले ही बुझ गई हो, अब यह अंधकार मिटा दूंगी। ऐसा कहते हुए सहसा उठ खड़ी हुई और पुनः बोली, जिसने मुझे पागल बनाया वह अंधकार तो तू है, तू भी बुझ। यह कहती हुई चीखी और किसी सिंगनी के समान उछलकर उसने उस मौलवी की गर्दन पकड़ ली। हा हा कहते हुए लोग अभी स्थिति की गंभीरता को समझकर उसे पकड़ना ही चाहते थे कि उसने मौलवी की छाती में छुरी घुसेड़ दी, और फिर अपनी छुरी को मौलवी की छाती से बाहर निकालकर पगली ने उसे अपने हृदय में घोंप लिया। मौलवी और पगली दोनों के ही प्राण पखेरु उड़ गए और दोनों के निर्जीव शरीर रक्त में नहा गए।